हेलो वेलकम्स माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष मोर पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सीरीज। तो आज इस चैनल पर मैं बताऊंगा खरीदारी वाले प्रश्न का फिर एक प्रश्न। मतलब इस क्वेश्चन को आप बहुत सारे लोगों को आपको इस तरीके से मिलते हैं, जैसे कि आपका सोने का भाव का क्लियर करना होता है कि कितना आपका ये पैसा हुआ। मतलब उसमें आपको ये प्रॉब्लम आती है, कभी तोला आ जाता है, कभी रत्ती आ जाती है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती हैं। और ग्राम में छोटे ग्राम आ जाते हैं, एक ग्राम दो ग्राम का मान कैसे निकाला जाए, ये भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत अच्छा होगा। इस तरह की छोटी वीडियो जो आपको खरीदारी से रिलेटेड, जो आपको दैनिक जीवन जो होता है, जो आपका डेली लाइफ में यूजेज होते हैं क्वेश्चन, उन टाइप के क्वेश्चन भी मैं डालता हूँ अपने चैनल पर। बाकी 12th तक की तैयारी के लिए सारे सब्जेक्ट की वीडियो मिलती है और एकदम इजी तरीके से मैं यहाँ पर समझाता हूँ, बहुत बारीकी से बताता हूँ सारी चीज़ें। तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वो वीडियो जरूर देख लेना सारी, बस आपको अपने मन पसंद देखना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सोने की कीमत, सॉरी यहाँ पर भूल से गलती हो गई है थोड़ा सा, सोने की कीमत है, ठीक, ये सोने की कीमत, ₹50,000 तोला है। बोला जा रहा है सोने की कीमत ₹50,000 तोला है। तो 5 ग्राम 5 मिलीग्राम की कीमत बताइए, 5 ग्राम और 5 मिलीग्राम की कीमत बताइए। अब बताइए 5 ग्राम 5 मिलीग्राम, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आखिर कितने ग्राम में क्या होता है, कितने ग्राम तोला होता है, ये सारी चीज़ प्रोसेस बताओ। चलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर आपका क्या, एक तोला इक्वल टू 10 ग्राम, ठीक, एक तोला आपका 10 ग्राम के बराबर होता है, ये आपको पता हो गया और पता होगा भी। तो एक तोला आपका 10 ग्राम के बराबर होता है, इसका मतलब मैं पता चल गया कि ये जो ₹50,000 है वो आपका 10 ग्राम का मान है। मतलब 10 ग्राम बराबर ₹50,000, ठीक है। मतलब ₹50,000 10 ग्राम का है, कि ये जो सोना आपको मिल रहा है वो 10 ग्राम ₹50,000 में मिलेगा आपको, ठीक है। तो हमें तो ये तो क्लियर हो गया 50 ग्राम आपका मिलने वाला है। तो हमें तो 50 ग्राम लेना, हमें तो 5 ग्राम लेना है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ये 10 ग्राम बराबर 50,000 है तो 10 का आधा 5 होता है, तो 5 ग्राम बराबर 25,000 होगा, ठीक है। ये भी तरीका आपका एक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं निकालना चाहते हैं तो जो सबसे सही तरीका होता है वो आप लगाएंगे, किसी पर भी अप्लाई होगा, क्योंकि ये तो आधा है तो आप आधा कर ले रहे हैं, लेकिन संयोग से आपका 5 ग्राम ना होकर के 6 ग्राम होता तब क्या करते, ठीक है। चलिए इसको हम लगाते हैं। तो हमें हमेशा 1 ग्राम का, कोई भी आपका खरीदारी वाला प्रश्न हो तो पहले 1 आइटम का आप निकालिएगा, 1 यूनिट का मान निकालिएगा, सारी चीज़ निकल जाएंगी। 1 ग्राम बराबर क्या होगा आपका, ये हमें पता करना है पहले, ठीक है, कि हमारा बोला जा रहा है कि आपका ₹50,000 बोला गया है 10 ग्राम का, तो ये आपका 1 ग्राम 10 आपका बटा में चलाएगा, ये 10 आपका क्या चलाएगा, बटा में चलाएगा, और इसको 0 0 कैंसिल कर दीजिए तो आ गया ₹5,000। 1 ग्राम बराबर ₹5,000, ठीक है। तो यहाँ तो बोला जा रहा है 5 ग्राम, क्या बोला जा रहा है 5 ग्राम, तो 5 ग्राम बराबर हम आ जाएगा 5 गुणा 5,000, 5 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 5,000, तो 5 ग्राम बराबर 5,000 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा ₹25,000। ₹25,000 आ गया 5 ग्राम का कीमत, वैसे भी आपका आता, इस तरीके से भी आ गया। अब उसके बाद जो आगे है 5 मिलीग्राम है, तो हमें तो क्या देखना है कि 1 ग्राम बराबर कितने मिलीग्राम आपके होने हैं। तो आपका 1 ग्राम बराबर आपका 1,000 मिलीग्राम होता है, 1,000 मिलीग्राम होता है, ठीक है, 1 ग्राम बराबर आपका 1,000 मिलीग्राम होता है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ डिस्कस करना है कि 1 ग्राम बराबर 1,000 मिलीग्राम, तो 1 ग्राम की कीमत यहाँ पर दी गई है कि 1 ग्राम की कीमत आपका 1 ग्राम
बराबर कितना रुपए निकला है? 5,000 रुपये। 1 ग्राम बराबर 5,000 रुपये। तो हमें निकालना है कितने मिलीग्राम? आपको निकालना है 1 मिलीग्राम। ठीक है, कितने मिलीग्राम? 1 मिलीग्राम। ये 1 ग्राम पर 5,000 रुपये जो बोला गया है, इसका मतलब हमारा ये है आपका 10,000 मिलीग्राम बराबर 5,000 रुपये। आपको बात ये समझ में आ रही कि जो 1 ग्राम का जो 5,000 रुपये आ रहा है, इसका मतलब कि वो 10,000 मिलीग्राम का कीमत आ रही है। तो 10,000 मिलीग्राम को हम 1 मिलीग्राम में बदलेंगे। किसमें? 1 मिलीग्राम में, 1 मिलीग्राम में। और जब हम 1 में बदलते हैं तो जो जिसका वो मान होता है पहले वाला, उसका हमें बटा में लेके चला जाना होता है। तो 5,000 बटा 1,000, 0 0 सब कैंसिल कर लीजिए, तो हमारा आ जाएगा 1 मिलीग्राम बराबर 5 रुपये। कितना आ गया? 5 रुपये। तो टोटल कीमत आ गई, कुल कीमत बराबर आ गई कितना? यहाँ पर आपका निकला था 25,000 और यहाँ पर निकला 5। तो 25,005 रुपये। तो 25,005 रुपये ये आ गया आपका सोने की कीमत। उसके बाद आपको कुछ उस पर, अगर आप जो आपका गोल्डिथमिस और जो होते हैं, मतलब आपका सुनार जो होते हैं, वो कुछ बनवाई का लेंगे, जो उसमें बनवाएंगे उसका कुछ अपना मेहनत कर लेंगे, तो इस तरीके से जोड़ करके इसका आपको 100-200 रुपये और ऐड कर लेंगे, तो आपका लगभग आपका रेट बना देंगे 25,000-2,250 रुपये तक। ठीक है, तो आपका इस तरीके से कीमत थी अपने सोने की कीमत। और इसी तरीके की क्वेश्चन हम लेकर आते रहते हैं, आपको क्या करना है, आराम से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, फिर हम किसी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए क्या करना है, हमारे चैनल पर जुड़े रहना है और सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन प्रेस कर देना है, और आपको 12 तक की जानकारी हम यहाँ पर दिलाते रहेंगे। ओके, चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, शिव। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक बार टेलीग्राम चैनल चेक कर लेना, और स्पोकन इंग्लिश की बैच है वो भी ज्वाइन कर लेना, उसके साथ स्पोकन इंग्लिश की नहीं, इंग्लिश की पूरी बैच है, टेंस सीखना, स्पोकन इंग्लिश सीखना, और आप गणित नहीं सीख पाते ना तो गणित का कैलकुलेशन सीखना, उसका जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, गुजोड़ घटाना गुणा भाग, बहुत सरल चीज़ें सब बताएँ, वो देख लेना। ओके, चलिए।